कलर्स के सीरियल उड़ान में इमली पर टूट पड़ा है मुसीबतों का पहाड़। जी हाँ, इमली हो गई हैं बेघर। यही वजह है कि इमली निकल पड़ी हैं अनजान रास्ते पर। वहीं चकोर कर रही हैं अपनी बहन इमली का पीछा, तभी वहाँ इमली के साथ एक दुर्घटना होने से बच जाती है। दरअसल इमली न जाने कौन सी सोच में खाली रास्ते में चली जा रही है, तभी अचानक से गाड़ी इमली के सामने आती है, लेकिन तभी चकोर पीछे से आकर अपनी बहन इमली को बचा लेती है। वहीं अब चकोर को लग रहा है कि इमली खुदकुशी करने जा रही थी। वो इमली को समझाती है, लेकिन इमली तो चकोर पर ही भड़क जाती है। क्या करने चाहिए? पागल हो गई है, मरना चाहती थी क्या? एकदम चुप। तुमको समझ में नहीं आवत है, हम कितनी बार बोल दिए ना कि बच्चा हमरे और विवान की प्यार की निशानी है। हराम को बच्चा बोल के गाली मत दे। तुमको मानना है तो मान, नहीं मानना तो मत मान। बाढ़ में जा तू। आखिर क्या है पूरा माजरा, चलिए जानते हैं खुद इमली से। नहीं नहीं, आई वॉज इन माई ओन डिलेमा, पर हाँ, मुझे बहुत अचानक से गाड़ी दिखाई दी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गाड़ी आ रही है, और मैं हटने जा रही थी खुद से ही कि दीदी आ गई बीच में बचाने के लिए। एज एवरीबडी नोज वो कितनी महान है और अपनी महानता हमेशा दिखानी होती है, तो जगत माता कहते हैं हम उसे। सो बस वो आ गई, उसने बचा लिया, और समहाउ मैं उसको भला बुरा बोल कर मैं वहाँ से चली जाती हूँ। इस बार मैं अपने बच्चे को जरूर जन्म दूंगी, और इस बार मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, और ये भी सच है कि विवान का ही बच्चा है। नो, बापू ने घर से, माए बापू ने भी साथ छोड़ दिया, बापू ने घर से निकाल दिया, तो बस वो एक होता ना कि चलते चलते बस चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ। मैं जाऊंगी उनसे मिलने, और जो मुझे करना है वो मैं करूंगी।